मोरनी में कहा है, कौन है ये सारा? एक रूम बताता है और अलग अलग लोगों से पैसा लेता है। क्या नाम है उसका? जिसने पैसा लिया है आराम से, कोई बात नहीं। उसका नाम अफीम है। अफीम? अफीम क्या, पूरा नाम क्या? पूरा नाम अफीम से। इसका दो दो ये काम दे दो। मतलब कैसे करता है सामान, जैसे देखता गरीब कोई नहीं है तो रूम कहाँ कहाँ निकल रहा है? एक ही घर दिखाएगा लेकिन अलग अलग लोगों को दिखाएगा। यहाँ से बात करता हूँ, आपको कॉन्टेक्ट करूँ, ठीक है? आपका नंबर किसका है? ठीक है। जय महाराष्ट्र, मी शिवसैनिक। मागच्या बुधवारी सेना भवनला हे आले होते, गोंडीमध्ये राहतात। काय झालं काय नाही झालं हे सगळं त्यांनी मला निवेदनामध्ये दिलेलं होतं, पण आता यांच्याकडनं ऐकलं नाही तर झालं काय बताई। सर हम लोग का एक घर था, मेरे पापा को कैंसर हो गया था तो उनके इलाज में बहुत पैसा हमारा चले गया, कुल 4 लाख का हमारे पास बचा था। तो एक नूर नाम का एजेंट आया मेरे पास, वो बोला फलाने जगह घर है डगनवाड़ी रिक्शा स्टैंड, वहाँ पे 4 लाख में आपको ऊपर नीचे का रूम मिलेगा। तो मैंने दोस्तों से 3 बार देखा, मेरी मम्मी को दिखाया, छोटे भाई लोग को दिखाया, सबको घर पसंद आया। फिर वो बंदा बोला कि 3 लाख रूपये दे दो, ऊपर का घर खाली होके आपके हाथ में चाबी मिल जाएगी 10 दिन में। तो मैंने इनको दिया, एग्रीमेंट बना के सब दिया। फिर मुझे बोला 10 दिन में चाबी मिल जाएगी। ऐसा करते करते उसने 3 महीना पूरा पार कर दिया, 3रा महीना और चल रहा है। तो फिर मैं बहुत जगह गया, बहुत लोगों के पास गया हेल्प के लिए, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, सब आज दे रहे थे देखेंगे देखेंगे। फिर मुझे आपकी और आपके बारे में मालूम पड़ा, मेरे को एक फोटो मिली नेट से, तो मैंने उन लोगों को फोटो भेजा, वॉइस रिकॉर्डिंग उतनी भेजा, हाँ बोला मैं भाऊ से मिला हूँ, अभी आप लोग को पैसा देना ही पड़ेगा तो फिर आएंगे भाऊ। तो लोग थोड़ा डरे, 2 दिन तक फोन बंद करे। फिर मैं तो ये शिवसेना भवन में आने से पहले आपने किया? हाँ, भेज दिया। हाँ, फिर कैसे कैसे करके मैंने आपके ऑफिस का पता निकाला उधर सेना भवन। फिर हम लोग आए, आपको पूरी बात बताया, फिर उन लोगों के पास गए। जब उन लोगों ने मालूम पड़ा उन लोगों को कि हम लोग आपसे मिले हैं तो उन लोग डर गए। फिर ये 50,000 का उन लोगों ने दिया। कभी दिया आपको ये? कल रात में उन लोगों ने दिया, कल रात को दिया 50,000 का। तो एजाज भाई है, हम लोगों को उन लोग ने 50,000। इजाज भाई ने फोन किया था, मेरा छोटा भाई है, मेरी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही आपका काम कर देगा। आप शिवसेना भवन में आए थे और वहाँ पे हमारे सबके चहेते मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, उनके नाम पे आपने निवेदन दिया था। मेरा काम है कि कोई भी जाति धर्म के लोग जो है वो मेरे अपने हैं, मेरे हैं, मेरे मुंबई के हैं, मेरे महाराष्ट्र के हैं। और आप लोग बहुत मेहनत से छोटे छोटे, आप क्या करते हो काम? सर मैं जरी का काम करता, जरी का काम करते, गोंडी में रहते। ऐसे बहुत से अच्छे लोग भी है, बुरे भी लोग है, तो जो बुरे लोग है ऐसे आप जैसे लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप लोग किसी के पास जा नहीं सकते हो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन किसी के पास सुनवाई नहीं होगी, शिवसेना के माध्यम से सुनवाई आपकी जरूर होगी। आपके अभी 50,000 मिले हैं फोटो दिखाने से, जिस दिन मैं मेरे आने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, आपके पूरे पैसे मिलेंगे। और ये तीनों जोन है, क्या उनका नाम? अकील असगर नूर। अकील असगर नूर, मेरा ये पैगाम है, पहिल्यांदा मराठी मध्ये सांगतो की गोंडी मध्ये असे खूप सारे फ्रॉड होतात, छोटे छोटे लोक आहेत ही बिचारी गरीब लोक, आणि त्यांना काय छोटं मोठं घर घ्यायचं असतं, 3-4 लाख रुपये जमवतात, 3-4 लाख म्हणजे त्यांच्यासाठी 1 करोड सारखे आहेत, आणि त्या छोट्या घरामध्ये ते समाधानी असतात। आप पोलीस स्टेशन में भी गए थे, हालांकि ये पोलीस का काम नहीं आपका पैसा निकाल के देने का, लेकिन मैं उधर भी आके एक बार पोलीस स्टेशन में विजिट करूंगा कि ये जो क्रिमिनल लोग है, जो लोगों को फंसाते हैं, उनको किस तरह से हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ये मेरा पैगाम है, ये सब धंधे बंद करो, गरीब लोगों का पैसा क्यों देने का काम करने का नहीं। और जिसने भी ये पैसा लिया है 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे पैसे उनको मिलना चाहिए। जिस दिन मैं आ जाऊंगा हम लोग आमने सामने देखेंगे। आता है ना 50,000 में आले ले, अभी खुशी है आपको? सर बहुत खुशी है, आपके डैडी कैंसर से इंतकाल हो गया उनका, आपका नाम की वजह से ये पैसा मिला। मेरे नाम की वजह से नहीं, ये आप लोग शिवसेना भवन में, जब शिवसेना भवन में कोई भी आता है उसका काम होता जरूर है। हाँ तो चलो आइए।